हेलो दोस्तों, रेशमा बुटीक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके लिए आज मैं लाया हूँ चूड़ीदार पजामे की वीडियो। तो चूड़ीदार पजामे की कटिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये है हमारा कपड़ा, जो ये कपड़ा है हमारा 2 मीटर। आप चाहें तो 2.25 में भी काट सकते हैं, ज़्यादा चूड़ी चाहिए हैं, मगर 2 मीटर में भी अच्छी चूड़ी निकल जाती हैं। तो ये 2 मीटर कपड़ा है, इसको हम इस तरह उठाएंगे और इसको सबसे पहले हम अपने कपड़े को अपने इंची टेप से इसको नापेंगे कि 2 मीटर है या कम है। अगर कम हो तो आप बिल्कुल चूड़ीदार पजामी ना काटिए, क्योंकि उसमें चूड़ी कम निकलेंगी। तो ये हमारा कपड़ा पूरा 2 मीटर है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम किस तरह अपना बिछाना है वो आप देख लीजिए। कई लोगों की कमेंट्स आई हैं मेरे पास कि कोई कहता है कि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, कोई कहता है कि सर समझ में नहीं आई, आप फिर से बताइए। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सही तरीके से समझ सकें। तो ये हमारा 2 मीटर जो कपड़ा है, सबसे पहले तो इसको उल्टा कीजिए, जिधर इसकी चमक है कपड़े की वो अंदर लीजिए। इस तरह हम इसको पहले उल्टा करेंगे इस तरह से, और इसको हम इसको पूरा सही तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हमें एक निशान लगा लेंगे, जिससे हमें उल्टे सीधे का पता चले। एक निशान इधर और एक निशान इधर लगाने के बाद इसको हम, ये हमारी जो लंबाई है, ये वाली है हमारी लंबाई, और ये है हमारी अरज, जो चौड़ाई है कपड़े की। तो हमें लंबाई वाला हिस्सा इस तरह लेना है। तो अगर हमारी लंबाई आनी है इस प्रकार, यहाँ पर हमारी लंबाई आनी है, यहाँ नहीं आना है हमारी लंबाई, लंबाई आना है हमारी तिकोने हिस्से में। तो वो तिकोने हिस्से में कैसे आएगी आप देखिए। बस आज चूड़ीदार पजामी की जो कटिंग का तरीका है वो केवल इसको बिछाने का है, और कोई ज़्यादा तरीका नहीं है। बहुत सरल है चूड़ीदार पजामी काटना। तो इसको हम इस तरह बिछाएंगे, ये आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारी लंबाई है, ये है हमारी चौड़ाई। तो ये है हमारी लंबाई, हमने आपको बताई दिया, और ये है हमारी चौड़ाई। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ बिछा के। इस तरह पकड़ा, ये वाला पल्लू हमने इसको यहाँ रख दिया, ये ध्यान रखिए, और हमने इस कोने को पकड़ा जिधर हमारा जॉइंट है। इधर पल्ले दोनों खुले हैं, मैं आपको बहुत तसल्ली के तौर पर समझा रहा हूँ। ये हमारे पल्ले इधर खुले हैं, इधर हैं जॉइंट। तो हम इस तरह से इसको यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसको बिछा देंगे। इस तरह से इसको हमें बिछा देना है, और यहाँ पर हमें नाखून लगा लेना है। और ये हो गई हमारी, जो हमने बताया था कि लंबाई। तो हमें इस तरह पर नाखून से क्रीज बना देना है इस तरह, और यहाँ सही करके फोल्ड कर लेना है इस तरह। अब जो ये हमारा ये छोटा बड़ा जो कपड़ा है, उस कपड़े को चाहे तो आप पहले सेट कर लें, वरना इस टाइम करें जिस टाइम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम एक बार में ही सेट हो जाएगा। इसको हमने काट के अपने चारों पल्लू बराबर कर लिए, और पल्लू बराबर करने के बाद में हमें यहाँ 1/2 इंच का निशान लगाना है, जो हमारा मार्जिन चला जाएगा। और हमें बेल्ट लेना है, हमें बेल्ट लेना है 6 इंच चौड़ा। आप अगर 7 इंच चौड़ा बेल्ट लेना चाहें या 8 इंच चौड़ा बेल्ट लेना चाहें, तो आप उतना ही निकालिए। मैं फिलहाल 6 इंच चौड़ा बेल्ट लेना चाहता हूँ। तो 6 इंच हमने यहाँ 1/2 इंच मार्जिन के ऊपर रखा, और ये 6 इंच हमने इधर निकाल दिया। 6 इंच निकालने के बाद में हम इसको अपने 14.5 इंच पे निशान लगा देंगे, जो है हमारा आसन। आसन के बाद हमें निशान लगाना है अपने घुटने का। घुटना है हमारा इसका 21 इंच। मतलब आसन लिया हमने 14.5 इंच, इसका बेल्ट भी निकाल दिया, बेल्ट समेत हमने लिया यहाँ पर 14.5 इंच और 21 इंच लिया हमने घुटना। ये घुटने पर निशान लगा दिया। अब हमारी लंबाई हो गई कम से कम 1.5 मीटर की। 2 मीटर कपड़े में 1.5 मीटर की लंबाई हो गई, ठीक है। तो इसको हमें, अब हमें 14 इंच वाले निशान पे इसको इस तरह निशान लगा देना है। फिर हमें घुटने पे 21 इंच पे यहाँ इसको निशान लगा देना है इस तरह। निशान लगाने के बाद
हमें यहाँ पर इसका जो मोरी है वो है 5 इंच, तो हमें यहाँ पर 10 इंच मोरी है तो हमें यहाँ 5 इंच पर निशान लगा देना है, फिर ऊपर आके 5 इंच पर लगा देना है। इसी प्रकार हम ऊपर तक इसको 5-5 इंच के निशान लगा देंगे इस तरह, और सबसे ऊपर जो हमारा घुटना है यहाँ पर हमें निशान लगाना है 5.5 इंच का, मतलब यहाँ पर हमें 1/2 इंच थोड़ी सी लूजिंग छोड़ना है क्योंकि यहाँ घुटना होता है। अब हमें अपनी इस फंटी, शेप फंटी की मदद से या आप स्केल की मदद से इसे निशान इस तरह लगा सकते हैं, इस तरह ये निशान लग गए, मतलब यहाँ से 5 इंच, ये 10 इंच का हमारा मुंह है इसका पैंचे का, तो हमें यहाँ से 5-5 इंच पूरा लिया है यहाँ तक, और हमने घुटने पे आके इसकी चौड़ाई हल्की सी बढ़ा दी, मतलब इसकी 1 इंच लूजिंग कर दी, और वो और फिर उसके बाद हमें इसको यहाँ से कटिंग करना है। इस प्रकार आप यहाँ से कटिंग कर लीजिए, और यहाँ पर हमें नीचे छोड़ना है 2 इंच का मार्जिन, जिससे हम कल को लूज या टाइट कर सके, हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये हमने इसको कट कर लिया, कट करने के बाद जो हमारा ये जॉइंट वाला पीस है इसको अपने अलग हटा देंगे, बिल्कुल अलग हटाने के बाद में इसको हम, जो हमारे दूसरे पल्ले हैं इसको हम इस प्रकार जैसे हमने पजामे के कपड़ा बिछाया था वैसे हम इन जॉइंटों को बिछाएंगे इस तरह। बिछाने के बाद में हम इसके ऊपर रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन, इस पर जितना हमारा मार्जिन आएगा उतना इसको ऊपर चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद अब हमें 14.5 इंच का निशान यहाँ 6 इंच का यहाँ निशान लगा देना है, 6 इंच का अपना बेल्ट का निकाल के इंची टेप, और यहाँ 14.5 इंच पे यहाँ पर हमें निशान लगा देना है, और फिर इस निशान से 14.5 इंच के इस निशान पे हम रख के और इसको मार्किंग इस तरह सीधी कर लेंगे, और यहाँ से हम इसका घेर जो हमें रखना है वो रखना है डबल में 16 इंच, मतलब 32 इंच टोटल वो हम यहाँ रख देंगे। आप नॉर्मली इतना घेर काट सकते हैं, चाहे तो कुछ बढ़ा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो नॉर्मली हमें 32 इंच फोल्ड में नापा है 16 इंच, तो खुल के एक तरफ हो गया 32 इंच और उससे ज़्यादा खुल के हो गया 64 इंच पूरा घेर। तो इसको हम अपने यहाँ जहाँ से हमारी म्यानी लगेगी वहाँ में स्केल को रखना है, और जो हमारा ये घुटने की चौकड़ी है आप देख सकते हैं निशान की ये चौकड़ी है, यहाँ से हमें 1.5 इंच निकाल देना है इस प्रकार, इस प्रकार यहाँ 1.5 इंच निकाल देना है। यहाँ पर हमें ये अपनी फंटी इस तरह रख के और इसको यहाँ से राउंड दे देना है, राउंड देने के बाद में हम इसको कट करके सीधा कर देंगे, और यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन नीचे छोड़ेंगे, जो हमने नीचे छोड़ा था वही मार्जिन इसका हमें ऊपर छोड़ना है इस प्रकार, और यहाँ पर हमें निशान पर लगा देना है कट, और इतना हमें 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है कि हम अपना जब आसन कभी हमारा टाइट हो जाए तो हम अपनी म्यानी नीचे लगा सकते हैं, और बाकी यहाँ हम इसको कट कर लेंगे इस तरह। ये हमने कट कर लिया, कट करने के बाद हमें अपने जो ये नीचे का हिस्सा है उसको काट के इस तरह सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद हमें इसमें अपने जोड़ यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर हमें कट कुट के लगाना है इस प्रकार, करीब 5-5, 6-6 इंच पे हमें यहाँ कुट के लगाना है। वो कुट के हम किस लिए लगाते हैं हम आपको बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सिलाई लगाते हैं तो आगे पीछे हट जाता है, तो पैंचा ऐंठ जाता है, आप अक्सर देखते होंगे प्रेस करते टाइम जो पैंचे ऐंठते हैं तो वो बहुत बड़ी अल्ट्रेशन आती है, तो हम कुटके इसलिए लगाते हैं कि सिलते टाइम अपने कुटके मिला सकें, और हमें इसके नीचे निशान लगा देना है जो हम सिलाई कर सकें बात को निशानों पे इस तरह, जो हमारा निशान है यहाँ से इसे मोड़ेंगे और ये नीचे इसके निशान लगा देंगे, सेम बिल्कुल निशान के नीचे ही आना चाहिए निशान इस प्रकार। अब हमारा ये पजामा हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, और बेल्ट हम वही काटेंगे नॉर्मली तरीके से, मतलब कच्चा बेल्ट काटना है हमें 8.5 इंच, और फोल्ड कर कर आके नीचे मार्जिन जाके सब वो रह जाएगा तैयार 6 इंच। आप जैसे नॉर्मली बेल्ट काटते हैं वैसे बेल्ट काटें, और प्लीज़ हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे हमें कमेंट्स करके बताएं,
और आपको इसको कटिंग सीखने में जरा सी कोई परेशानी है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब तुरंत कमेंट्स में ही वापस जाके देंगे। और हमारी वीडियो को इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हम कभी भी कोई भी अपने चैनल वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो सबसे पहले मिले आपको। थैंक यू।